क्या बोल दिया सूर्यदेव, आगे से इतने ज्यादा चमक रहे हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लग रहा है कि पॉलिश कर दी होगी इनमें, वो चमकने वाला पॉलिश। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। और आज इस बारिश को चौथा दिन है, मतलब चार दिन से लगातार ये बारिश हो रही है और जमाजम बारिश ये कर रही है अभी भी। और कुछ रिस्क है, इसका मौसम ऐसा है अभी फिलहाल। मार्च महीने में, अगस्त महीने का मजा लीजिए। इस बार नहीं आ रही गर्मी, सीधा स्किप हो गया बारिश के मौसम, सीधे आ गए हम। उठो उठो भाई साहब, आज नहीं उठ रहे हैं। 2000 years later. तो दोस्तों, एक ड्यूटी करने के बाद अब करते हैं दूसरी ड्यूटी, अपनी जो ब्लॉगिंग है उसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी यार मौसम तो यार आज तो और सुंदर हो गया, बादल कितने सही लग रहे हैं। ये हम इंस्टीट्यूट से बाहर आते हुए अब चलते हैं बाजार की ओर। अगर दोस्तों आपको वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अरे अंकल जी रुक जाओ भाई, काहे की जल्दी हो रही है। हेलो भाई जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। और क्या हाल चाल? दर्शन दुर्लभ हो गए आपके? बस हम तो यही हैं उत्तराखंड में। तो दोस्तों समोसा पार्टी भी हो चुकी है, अब चलते हैं बाजार की ओर। आहा क्या मस्त लग रहा है ये देखना, पहाड़ों के बीच से आ रहा है ना, पत्तों के बीच से, पत्तों के बीच से। और सूर्यदेव के दर्शन से जो चमक है ना, वो उस पर चार चांद लग गए। तो चलो भद्रकाली चलते हैं, वहाँ से टाइम लैप्स बनाएंगे ऋषिकेश का। अरे रे 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 रे। तो दोस्तों यह है रेलवे रोड, और रेलवे रोड में भी ट्रैफिक चल रहा है। और पहले हमारा जो रूम था वो यहीं था ढालवाला में, मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था ना यहाँ। ये यहाँ तो यार मामूली बारिश होती है ना तब भी पानी भर जाता है। तो जय हो भद्रकाली माता। भाई सूर्यदेव आगे से इतने ज़्यादा चमक रहे हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या मस्त लग रहे हैं ये वाले पेड़, ऐसा लग रहा है कि पॉलिश कर दी होगी इनमें, वो चमकने वाला पॉलिश नहीं रहता ऐसा लग रहा। चलो यार अपनी डेस्टिनेशन में चलते हैं और वहाँ से सिनेमैटिक सीन लेते हैं और मेन टाइम लैप्स। आखिरकार अपनी जो मंजिल है वो आ चुकी है, अब यहाँ से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ऋषिकेश, हाँ क्या मस्त लग रहा है। कल भी दिखाया था मैंने ना, और कल मैं यहाँ से दिख नहीं रहा है, यहाँ ऊपर एक पहाड़ी है तो वहाँ गए थे हम, आपने देख लिया होगा वो वाला वीडियो, और ऑफ रोडिंग वाला भी देख लिया होगा वीडियो, तो वहाँ गए थे। बाकी यार बारिश के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, पूरा ऋषिकेश पूरा क्लियर दिख रहा है भाई। अब गोप्रो में पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, पर भाई मेरी आँखें जो देख रही है ना भाई, क्या ही बोले। और वहाँ से तो और भी कमाल का दिख रहा होगा, ये मौसम परफेक्ट है वहाँ से वीडियो शूट करने का, क्योंकि धुंध तो है ही नहीं, सब जो घर है वो चमक रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं टाइम लैप्स के लिए यहाँ पे गोप्रो को रख रहा हूँ, तो आप इन्जॉय करो पूरा टाइम लैप्स और बताना उसके बाद कि कैसा लगा आपको। तो चलो मिलते हैं टाइम लैप्स के बाद। बात लोग का लीची नहीं है दोनों बोला जितेंद्र सिंह, और मैं दिख रही थी ना, मैं भी अच्छा कौन सा ये कौनी कौनी था, बोलो कौनी बैंड, ये ढाल वाला साउंड बड़े वहां बड़े कौनी का बैंड है, चार की कौनी बैंड थैंक यू। अच्छा बैंड से पहले बैठे कौनी कौन कौन के साउंड बात, अच्छा कौनी बैंड थैंक यू। अच्छा तो दोस्तों अभी चला मुझे पता कि इस लोकेशन का नाम है ओणी का बैंड। जरूरी था
दोस्तों जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है, अब लग रही है ठंड, ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ से। वही भी बता लो कि मई जून का कौन सा मई जून आप मई जो ये लगन अगस्त इन लगन के अगस्त अप्रैल मार्च अप्रैल आ रहा हूँ। तो चलो अब चलते हैं सीधे घर, बाकी यार यहाँ पे देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ लग गई। अब अंधेरा भी हो गया, अब चलते हैं सीधे घर। हाँ हेलो भाई साहब, गाड़ी ढंग से चलाओ। डर गए भाई साहब, डर गए दोनों के दोनों। और दोस्तों मुझे मार्केट में दो छपरी मिले थे और यहाँ घर तक पहुँच गए हो। उल्टा बोल दिया थोड़ा। तो दोस्तों कल पथ संचलन है नए वर्ष के उपलक्ष में, तो उसी की तैयारी चल रही है अभी। देखो लुक एट दिस आउटफिट, अपना देखना कर ये मेरा भी देखो। आपका कहाँ है? रूम पे है। अच्छा दिखाता हूँ। रूम पे है ना पक्का? तो पूरी ये देखो बाकी आप जुड़े रहिए वीडियो में पूरे संचलन के आगे इसी चैनल पे आपको पूरी झलकियाँ और वो अच्छे अच्छे दृश्य और बड़े बड़े पूरी रैली दिखेगी। हाँ तो कल है नव वर्ष, तो उसी के उपलक्ष में एक रैली होगी और पूरे राज्य की मतलब ऋषिकेश में कल मतलब भव्य रैली होगी। उर्दू शब्द है। और ये भाई का गणवेश, तो संभाल के रखिए, प्रेस प्रेस करिए बाकी कल। प्रेस कर ली, चलो मैं चलता हूँ, मुझे सी ऑफ करो। वहाँ पे एक भाई थे, उन्होंने वो रास्ता सजेस्ट किया। बढ़िया, हम तो रोज ही जाते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस है। हमने दो बार बोला, हाँ हमने बोला ठीक ठाक रास्ता है ना। हाँ हाँ ठीक ठाक रास्ता है, हम रोज जाते हैं ऐसा बोला। हमने बोला ठीक ही होगा, हम धीरे धीरे गए तो हमने बोला यार इससे बढ़िया रास्ता तो हमारे गांव का है। रास्ता था भी वो, उसको रास्ते की श्रेणी में नहीं रख सकते भाई। तो टू व्हीलर जा रहा है उसमें, और एक भाई चला रहा था वहां ना, मतलब हमसे आगे गया। फूफा खतरनाक, तुम जाना किसी दिन जरूर। फिर भाभी को बैठा देना। हाँ जरूर। मतलब दिमाग खराब हो गया। अरे नहीं था वो वीडियो में दिखाई देता है। वीडियो में दिखा वो, ऐसा नहीं है। हाँ हम तो ऐसे ही कंटेंट के लिए कर रहे थे हम ऐसे, सही में। हाँ कंटेंट के लिए किया हमने ऐसे। तो दोस्तों कल का जो वीडियो आपने देखा होगा ना, उसकी चर्चा चल रही है अभी। तो मैं भाई और भाई को बोल रहा हूँ कि आप भी जाना वहाँ पे ऑफ रोडिंग करना। खत्म। बढ़िया है, सही। बाय बाय। तुम भी चुप रहो। तुम नहीं रहोगे पीछे, तो कोई और रहोगी नहीं, तो सोच लो। क्या बोल दिया, बेलन का है ऐसे करो ना, कट कट। स्टील वाला। क्या बोला? नहीं ऐसे बोलो ना, क्या बोला? हाँ क्या बोला भाभी? बोल, मैंने कहा नहीं तुम ही होगी साथ में, बाकी कोई और नहीं होगा। मैंने कहा एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाँ राजी का जो रथ था ना वो वहीं से ज्यादा था भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया।